शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। खुश रहो, भगवान तुम दोनों को मेरी उम्र भी दे दे। समाज की रीति रिवाज के मुताबिक तो लड़की वालों को दहेज भी देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें इस बेटी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नहीं बाबूजी, आपने मुझे देवी जैसी बेटी दे दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। इनकार मत कीजिएगा बाबूजी, आप अपने दामाद को नहीं बेटे को दुख दे रहे हैं। जी हाँ, आज से मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूं। कहाँ नहीं तो रखी थी है। गुरु तुमने मेरी वो देखी? क्या देखी? देखता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, दूर खड़ा हो जा। मैं कौन सा तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारे पेट में जा रहा हूँ, अपनी थाली देख रहा हूँ। तुमने मेरी थाली देखी क्या? थाली? हाँ। तेरी गंदी बदबूदार भिखारी की थाली मैं देखू? बहुत अच्छे। चोर के घर में चोरी तो सुना था, पर फकीर के झोली में चोरी में पहली मरतबा देख रहा हूँ। बकवास बनकर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। पहले आपको मेरे साये से भी नफरत थी। वो तो आज भी है। भिखारी बनना आपको पसंद नहीं था? तो कौन बनना चाहता है भिखारी, भिखारी साला? तो फिर ये भिखारी की थाली में खाना क्यों खा रहे हो? ये तेरी थाली है? जी मेरी थाली है। जो बेड में गया वो भी निकालो। वो तो निकलेगा ही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हैं? साला तेरा गंदा खाना गलती से खा गया, अब तेरे भिखारीपन के कीटाणु मेरे पेट में चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी। क्या बोला? सामने चल चल। बस बस शाबाश। भिखारी। बोलो जात भाई। ये बुढ़ा कौन है? ये उस लड़की का बाप और रवि का ससुर लगता है। रवि एक मिनट रुको बेटा। ये कौन है बेटा? जानकी चाची। आओ बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब दाहिना पांव आगे रखकर अंदर जाओ बेटी। ए जानकी, पत्नी मेरी और आशीर्वाद दुश्मनों को। तेरी अकल मर गई या आंखों का पानी मर गया? दोनों जिंदा है। मेरी आंखों का पानी नहीं मरा, इसीलिए तो मैंने रवि और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद? हमारी जिंदगी उसके एहसानों की कर्जदार है। तुमने जो ये कड़क किस्त्री वाला जोड़ा पहना है ना, ये भी उसी का दिया हुआ है। थू 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 थू। इस तरह तो कोई दरवाजे पे खड़े भिखारी को भी नहीं झिड़कता। जिस तरह तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें झिड़का ना, अगर कोई मुझे झिड़कता ना तो मैं बिना पानी के कुएं में कूद के जान दे देता। कुआं ढूंढू? आराम खोर, तू क्यों हर वक्त मेरी जख्मों में चिंगारियां भरने आ जाता है? अगर वापस ही जाना था तो यहाँ आए क्यों थे? देवी जी, बागीजी से आम लेके आऊं? हाँ ले आ। जी अच्छा। अरे बाबूजी कहाँ गए? सीधे हाथ से सीधे ऐसे 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 कर। बाबूजी ये औरतों का काम है, छोड़िए ना। छोड़ दिया छोड़ दिया। बस ये हॉर्लिक्स की बोतल साथ रख रही हूँ, रोजाना दूध में मिलाकर पिया करना। ये बीमारों को पिलाने का आटा है, मुझसे नहीं पिया जाएगा। नहीं आपको पीना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ,
लोगों के लिए गाय भैंस खरीदने के लिए कड़कती धूप में मंडियों के चक्कर लगाना बंद कर दो। तबीयत खराब हो गई तो कौन ख्याल रखेगा? अच्छा अच्छा ठीक है। और हफ्ते में 2 चक्कर जरूर लगा लेना। अरे 2 क्या, 4 चक्कर लगाऊंगा मैं। तुझे देखे बगैर मैं जी सकता हूँ क्या? नहीं बोल बोल तू। और ये रवि अभी तक नहीं आया। अरे लो नाम लिया और आ गया। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, बड़ी लंबी। बाबूजी गांव जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई घर देखना है, काम काज देखना है। बस बाबूजी बस, बहुत काम कर लिया आपने, अभी काम करने की आपकी उम्र नहीं रही। अभी बैठ के आराम कीजिए और गांव वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अरे भाई मेरी बात तो सुनो तुम। देखिए अगर अपने दामाद के लिए आपके दिल में जरा सा भी प्रेम जरा सा भी मान होगा तो आप ये घर छोड़कर जाने का नाम नहीं लेंगे। आगे आपकी मर्जी। अरे क्या कह दिया इसने, तू समझा इसको। मैं क्या समझाऊं, ठीक ही तो कह रहे हैं। और अब मैं कहती हूँ अगर आपके दिल में उनके लिए जरा सी भी इज्जत है तो आप नहीं जाएंगे। आगे आपकी मर्जी। अब मेरी क्या मर्जी, जो तुम दोनों की मर्जी हो मेरी मर्जी। कोई काम ढंग से नहीं करती हरामखोर, चुप, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डालो ना, भूखे पैसे रहकर जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है एक ही बार मर जाऊं ताकि तुमसे छुटकारा पाऊं। क्या मुझसे जबान चलाती है, मुझसे जबान चलाती है हरामखोर कमीनी। बस सुबह हुई और आप दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। माँ तुम चुप हो जाओ ना। जुबान चलाती है मेरे सामने, जुबान चलाती है। अरे सवेरे सवेरे जुबान काट कर उस भिखारी को सब्जी खिलाऊंगा उसकी। थू, 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 थू। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। क्या देखती है? धनो जी, बीबी जी ये इनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा था? आप कहाँ बताएं बीबी जी, वो दीदी है ना उनका आदमी एक नंबर के निकम्मे हैं, एक फोटी कौड़ी भी नहीं कमाते। तुमरी सास उनके घर में दाल चावल नमक देकर उनका घर चलाया करती थी, पर तुमरे आने के बाद ये सब बंद हुई गवा। वो बात का है कि उनकी बेटी नेहा की शादी अपने रवि बाबू से होने वाली थी पर रवि बाबू ने इनकार कर दिया और शादी आपके साथ कर ली। बस यही कारण माजी गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई और जानकी दीदी का इस घर में आना जाना बंद हुई गवा। चाची चाची। अरे चंदा बेटी आओ, बेटी आओ, इसे यहाँ रख दे। अच्छा ये सब मुझे गैर मत समझिए चाची, आज से मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझिए, इसे रख लीजिए। नहीं बेटी, तेरे आने से पहले भी इस घर का बोझ रवि ही संभालता था, पर तब की बात और थी, तब के रिश्ते संबंध और थे, मगर अब भी हम लोग तुम पर बोझ बने ये ठीक नहीं है बेटी। क्या मेरे उस घर में कदम रखते ही वो सब रिश्ते टूट गए? आज अगर मेरी जगह आपकी बेटी आपको ये लाकर देती तो क्या आप उसे भी ये जवाब देती? चाची मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई, मैंने ना उनकी सूरत देखी और ना ममता पाई। चाची मैं तुम्हें अपनी माँ मानकर अपनी माँ के चरणों में एक छोटी सी भेंट रखना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करके अपनी बेटी पे एहसान कर दो माँ, एहसान कर दो। नेहा ये क्या किया तूने? तुम चुप रहो माँ, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला जो ये भीख देकर हमारी बेइज्जती करने आई है? नेहा निकल जा यहाँ से, तू मरेगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। तूने और तेरे 2 कौड़ी के दलाल बाप ने मेरे रवि को मुझसे छीन लिया है। देखिए आप मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिए मगर मेरे बापू को कुछ मत कहिए, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा? निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा, चली जा, मार छोड़ दो मुझे। उसकी नादानी और गलती पर
मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं, माँ के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। तेरी माँ के हाथों का अपमान मत करो माँ। चंदा, क्या बात है? नेहा ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं तो आपसे किसने कहा? बेबी जी, हम तो बस इतना कहेंगे। धनो, मुझसे झूठ मत कहो चंदा, मेरी कसम खाकर कहो उसने तुम पर हाथ उठाया कि नहीं। देखिए, ये औरतों का मामला है, इसमें मर्दों को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे सच सच बताओ। देखिए, वो ना समझे, अगर गुस्से में आकर उसका हाथ उठ भी गया तो कौन सी कयामत आ गई। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? मैं अभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पे लगाता हूँ। ऐसा मत कीजिए। तुम हट जाओ चंदा। आप मेरी बात तो सुनिए, नेहा की जगह अगर मैं होती तो मेरा भी हाथ उठ जाता। चंदा, देखिए हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और मेरा ये हाल है कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो आपके साथ बचपन से पलकर बड़ी हुई है, सारी जिंदगी आपको अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखती रही, अचानक उसके सपने टूट गए, सारे अरमान खाक में मिल गए। ऐसी हालत में तो पत्थर भी टूटकर बिखर जाएगा। वो तो सिर्फ एक इंसान है, एक कमजोर लड़की, उसके दिल पर क्या बीती होगी। और दूसरी बात, आपके कारण उस घर का चूल्हा जलता था, आज उनका कोई सहारा नहीं है। गांव वाले तो यही समझते होंगे कि आपने मेरी वजह से उनसे रिश्ता तोड़ा, और सच तो ये है मैं ही उनकी बर्बादी का कारण हूं, मेरी वजह से नेहा का दिल टूटा। तुम कैसी बातें कर रही हो चंदा? मेरी एक बात मानेंगे, शादी से पहले जैसा रिश्ता और बर्ताव उनके साथ था वैसा ही बर्ताव अब भी कीजिए। एक बात और, आपकी माँ जी जहाँ कहीं भी हैं जाइए और उन्हें फौरन वापस ले आइए। माँ को? चंदा तुम मेरी माँ को नहीं जानती, वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी, सुबह शाम जली कटी बातें सुनाकर तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगी। वो सिर्फ जली कटी बातें ही करेंगी ना, मुझे जलाकर मार तो नहीं डालेंगी। अगर मेरे प्यार में व्यवहार में सच्चाई होगी तो अपनी सेवा से एक दिन मैं उनको प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दूंगी। एक आदर्श पतिव्रता का असली धर्म यही होता है। वाह, तुम इतनी ज्ञान की बातें कैसे करने लगी? मैं तो समझता हूं कि तुम एकदम बुद्धू और ना समझ किस्म की लड़की हो, ये घर संसार की बातों की तुम्हें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, और अगर अगले 6 महीने में मैं माँ बन गई तो तब भी आप मेरे बारे में ऐसे ही सोचेंगे? बिल्कुल समझ। माँ, तुम माँ बनने वाली हो? अरे ये खुशखबरी मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बीबी जी, आपकी गोरी कलाइयों में चूड़ियां कैसे खिल रही है। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्नो, ओ धन्नो। जी बीबी जी, क्या बात है? सुन, तू जरा दर्जी के पास जा तो, उसने आज कपड़े देने का वादा किया था और अभी तक सीकर नहीं लाया, त्योहार पर क्या पहनेंगे। अच्छा बीबी जी, हम बाबूजी के लिए पत्थर की खान पर खाना लेके जा ही रहे हैं ना, लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आवेंगे। नहीं धनो, तू खान पर नहीं जाएगी, आज मैं खुद उनके लिए खाना लेके जाऊंगी। आप ऐसे हालत में इतनी दूर खान पर कैसे जाएंगे? अपने पैरों से, आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है, मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अरे बाबू, पहाड़ी में बम लगा दिया है। अच्छी बात है, सारे मजदूरों से कहो इस तरफ आ जाए। जाओ। अरे भाई सब लोग इधर आ जाओ, बम फटने वाला है। ए, तू भी आ जा। चलो भाई, चलो, चलो, चलो। सब लोग आ गए। ठीक है। रवि बेटा, वो देखो, वो पहाड़ की तरफ से चंदा आ रही है और बम वहीं फटने वाला है। चंदा, चंदा रुक जाओ। बेटे रुक जाओ, बम फटने वाला है। Yeah!
चंदा, चंदा बाबूजी क्या हो गया? आप जल्दी से गाड़ी ले आइए, इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। जाइए चंदा, चंदा मेरा बहुत दर्द है। नहीं चंदा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम है, मेरी मेरी बात सुनिए, मुझसे मुझसे वादा कीजिए, आप मेरे बाबू को अपने से कभी अलग नहीं करेंगे। कभी उनका दिल चंदा, उनका दिल बच्चों जैसा है। वो मेरी चिताई का, वो मेरी चिताई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चंदा, चंदा, उन्हें उन्हें संभाल लो। बेटे की तरह, बेटे की तरह उनके साथ साथ रहना। वादा कीजिए, वादा कीजिए। वादा चंदा, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। चंदा, चंदा, चंदा। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो चंदा, में तेरे चंदा, चंदा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, चंदा मेरी बच्ची, मैं बाबूजी क्या